हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक, जो कि एकदम समर, एक ब्रीजी सा बहुत ही ज़्यादा फ्रेश मेकअप लुक है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक समर अप्रोप्रिएट मेकअप लुक है, जो कि मैंने बिल्कुल मैट रखने की कोशिश की है, ताकि स्वेटिंग के कारण भी आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली ना दिखे। ऑल्सो मैंने पिंक एक बेस चुना है, आप चाहते हैं तो पीच कलर भी चूज कर सकते हैं। सिंस माई ड्रेस इज पिंक इन कलर, तो मैंने पिंक चूज किया है। समर्स आर ऑल अबाउट क्यूट क्यूट ड्रेसेस, क्यूट स्कर्ट्स, तो मैंने क्यूट ड्रेस को दिमाग में रखते हुए इस मेकअप लुक को क्रिएट किया है। और ये मेकअप लुक आप इजिली अचीव कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर, और ज़्यादा प्रोडक्ट्स की भी ज़रूरत नहीं है। सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल भी है, जितने भी मैंने इस वीडियो में इस्तेमाल किए हैं, और सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी। सो नाउ लेट्स सी हाउ आई हैव क्रिएटेड दिस मेकअप लुक। सबसे पहले मैंने गार्नियर का ये डे क्रीम इस्तेमाल किया है। इसमें SPF 40 का भी प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, तो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ही आपको मॉइस्चराइजेशन और आपको सनस्क्रीन का जो प्रोटेक्शन है वो भी मिल जाएगा। स्विस ब्यूटी का कंसीलर इस्तेमाल किया है, जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या फिर थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, उस एरिया पर मैंने सिर्फ इसे अप्लाई किया है एंड मैं उसे अपने फिंगर टिप से ही ब्लेंड करूँगी। मैंने कोई भी फाउंडेशन नहीं इस्तेमाल किया है, जस्ट टू कीप इट लाइट। मैं जितना कम प्रोडक्ट्स हो सके उतना ही मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि समर फ्रेंडली एक मेकअप लुक है, तो जितना कम प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करोगे आपके स्किन के लिए उतना ही बेनिफिशियल है। ऑल्सो आई वुड हाईली रिकमेंड आप जितना कम हो सके समर सीजन में उतना ही कम मेकअप स्पंजेस को इस्तेमाल करें। ऐसे फिंगर टिप से ही ब्लेंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्वेट के कारण आपके स्किन पर एक्ने एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिर मैंने इनसाइड का ये बनाना पाउडर इस्तेमाल किया है, जस्ट टू बेक, क्योंकि समर सीजन है तो आपको कोई भी अच्छा सा एक सेटिंग पाउडर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। एंड फिर मैंने मार्स का ये चीक पैलेट लिया है, जहाँ से इस पिंक कलर को मैंने पिक किया है एज एन आई शेडो। सिर्फ मैं लैश लाइन के करीब करीब इसे थोड़ा सा डिपॉजिट करूँगी एंड फिर मैं उसी सेम आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अच्छे से उसे मैं ब्लेंड कर दूँगी। ब्लेंडिंग इज द की फॉर अ वेरी गुड मेकअप लुक, तो आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। आई एम जस्ट कीपिंग दिस मेकअप लुक वेरी लाइट एंड समर अप्रोप्रिएट, तो मैंने ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स भी नहीं इस्तेमाल किया है, ज़्यादा मेकअप टूल्स भी नहीं इस्तेमाल किया है। लैश लाइन को मत भूलना, इसे आपके जो आई में बैलेंस है ना वो काफ़ी अच्छा दिखता है। फिर मैंने ओलिविया का ये ब्लैक जेट ब्लैक काजल लिया है, ये वाटर प्रूफ है बाय द वे, एंड मैं इसे सिर्फ अपने अपर वाटर लाइन को टाइट लाइन करूँगी। और फिर मैंने मस्कारा मार्स का लिया है, दिस इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट मस्कारा, ये वाटर प्रूफ है बाय द वे। और जब आप ना अपने अपर वाटर लाइन को टाइट लाइन करते हो, तब आपका जो लैश लाइन है वो काफ़ी डिफाइंड दिखता है। फिर मैंने सेम पिंक ब्लश को लिया है एंड उसे मैं एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी इस तरह से, और मैंने कोई भी कॉन्टूरिंग वगैरह नहीं किया है, बिकॉज मुझे इसे एक रोजी सा डे टाइम एक लुक क्रिएट करना था। फिर मैंने जो एक्स्ट्रा पाउडर्स थे उसे मैंने रिमूव कर दिया एंड ब्राउज को मैंने ड्रा किया है इस आईब्रो डिफाइनर पेंसिल से, ब्लू हेवन का है, 150 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगी। फॉर लिपस्टिक मैंने जैन एंड मिर्ज़ा का ये लिक्विड लिपस्टिक चूज़ किया है, ये पिंक कलर है, विच विल सूट एक्सट्रीम फेयर टू मीडियम स्किन टोन। ये डार्कर स्किन टोन के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट शेड नहीं है। शेड नेम्स एंड ऑल सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, सो मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मुझे ग्लॉसी लुक चाहिए था, बिकॉज ग्लॉसी लुक्स आर वेरी ट्रेंडिंग दीज डेज, तो मैंने ये अर्थ रिडिम का लिप एंड चीक टिंट इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई किया है। ये एक अच्छा सा ग्लॉस है बाय द वे, मैं इसे हमेशा ग्लॉस की तरह ही इस्तेमाल करती हूँ, ब्लश की तरह मैं इसे नहीं इस्तेमाल करती, क्योंकि काफ़ी समर सीजन के लिए नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा है। इट विल बी परफेक्ट फॉर विंटर सीजन, तो मैं इसे एज अ ग्लॉस इस्तेमाल करती हूँ एंड दिस इज़ माई फाइनल फिनिश्ड लुक। होप यू ऑल हैव इन्जॉयड दिस लुक। आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, बट ये एवरी डे के लिए एकदम परफेक्ट है, बिकॉज यू आर यूजिंग लीस्ट प्रोडक्ट्स ऑन योर फेस। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आजकल इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। बाय।